यस, तो यहाँ पे सही आंसर हुआ। तो दिया है कि एक एल्युमिनियम वायर है और एक स्टील वायर है। तो स्टील वायर जो है उसका लेंथ कितना दिया है, 50√3, और एल्युमिनियम वायर का लेंथ कितना दिया है, कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो अभी ये दोनों जो वायर है राइट, दोनों में टेंशन 104 न्यूटन है, और जो एरिया है इधर वो एरिया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस वायर में निकाल लो स्पीड। इस वायर में स्पीड क्या होगा इसका, √T/ तो म्यू डालना है, लेकिन यहाँ पे म्यू तो दिया नहीं है, यहाँ रो दिया है। ठीक है, तो म्यू क्या होता है, वो होता है मास अपॉन लेंथ। आप हाँ वो हमने क्लास में डिराइव किया हुआ है राइट। अब इसको इंटू ए कर लो, तो ये हो गया रो। तो म्यू इज बेसिकली रो इंटू एरिया, वो आप यहाँ पे डाल दो, ये रो वन ए वन, इस सबको वीगर मिल जाएगा। और यहाँ से आपको मिल जाएगा वी टू अंडर √T/√2a2। अभी दोनों जो स्ट्रिंग है दे मस्ट वाइब्रेट एट कॉमन फ्रीक्वेंसी, ये तो समझ में आ रहा आपको राइट, क्योंकि वो दे आर टाइप टूगेदर, सो दे हैव टू वाइब्रेट एज अ सिस्टम एंड दैट टू एट अ कॉमन फ्रीक्वेंसी। तो लेट द कॉमन फ्रीक्वेंसी बी एफ, सो लेट द कॉमन फ्रीक्वेंसी बी एफ। तो ये जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है एफ, दिस विल बी n1 टाइम्स f1, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट स्ट्रिंग, n1 into fundamental frequency of first string, and this f should be also equal to n2 times the fundamental frequency of the second string. Now n1, now what is f0 1, that will be v1 by 2l1, v1 by 2l1, v by 2l, so that will be v1 by 2l1, and this is n2, and f0 2 will be v2 by 2l2. ठीक है, right? You have to put the values here of the tension, of the rho and area, all the things we know, and this also we have to put the values. ठीक है, तो कितना आएगा वो आप देख लो। तो ये होगा n1, v1 कितना आता है, let us put all the values. ठीक है, तो ये हो जाएगा 104/ρ1, ये कौन सा वायर है, पहला वाला स्टील है, तो स्टील का डेंसिटी कितना दिया है, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करेंगे उसको आप, वी कैन टेक द रेशियो, या डायरेक्टली वी कैन टेक द रेशियो, वो टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, है कि नहीं, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो ठीक है, लेट अस पुट इट ऑल द वैल्यूज हियर, ये टू कैंसिल हो गया, तो n1/n2 कितना आएगा, n1/n2 आ जाएगा v2/v1 इनटू L1/L2, ठीक है? So if you put all the values here, you will get N1/N2 as 5/2. How much you get? 5/6. So put all the values. So V2 कितना है? ये √T/√2a2 divided by √T/√1a1 into L1. L1 is how much? 50√3, and L2 is 60. ये T cancel होगा, area भी cancel हो जाएगा, क्योंकि area same. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? You are getting N1/N2 as how much you getting? This is 5√3/6, and this is √ρ1/ρ2. Right? Correct? Correct. कितना आ गया? 1/√3, तो n1/n2 is equal to 5√36 into √3. क्या है √3 या 1/√3? तो फिर यहां से ये आ जाएगा 1/√3,
फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो एन वन बाय एन टू कितना आया, एन वन बाय एन टू आ गया 5/6। समझ में आपको? तो कोई भी एक ले लीजिए आप, मतलब ये या तो 5 टाइम्स एन वन ले लीजिए या 6 टाइम्स एन टू, ठीक है। तो या तो आप ले लीजिए 5 टाइम्स एफ डॉट वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दी फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर मतलब स्टील, या फिर आप ले लीजिए 6 टाइम्स कोई भी, तो दिस विल बी योर नेट पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो जाएगा 5 टाइम्स, क्योंकि मैंने बताया आपको जो भी ये N1 by N2 आता है ये एक्चुअली नंबर ऑफ लूप्स का रेशियो, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ लूप्स का रेशियो, मतलब पहले वायर में 5 लूप्स होंगे और दूसरे वायर में 6, यानी पहले वायर में 5th हार्मोनिक सेटअप होगा तो दूसरे वायर में 6th हार्मोनिक सेटअप। तो कोई भी ले लो पहले वायर का 5th हार्मोनिक लो तो 5 × फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग होगा, या तो आप दूसरे वायर का 6th हार्मोनिक लो तो उसका होगा 6th हार्मोनिक इनटू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वायर, बट दोनों बराबर ही होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर ही आएंगे। तो आप कोई भी ले लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2L, L कितना है इसका 50√3 और अंडर रूट T कितना है T/A, यानी ये रो ए, ठीक है। तो रो 1A1 ये तक डाल देंगे हम लोग, तो ये कितना निकल के आता है, हाँ तो डेंसिटी ऑफ स्टील और एरिया 365 पर, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है।